यस, वन मोर क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्चुअल सेशन है, बहुत स्मॉल सेशन है, मतलब हार्डली आप 5 मिनट देंगे पर गेन बहुत कुछ करेंगे, कई डायरेक्शन में सोच पाएंगे। मैं हमेशा बोलूंगा कि पढ़ाई ऐसी रखिए कि आप 360 डायमेंशन में सोच पाए, यानी आपके सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप मेथड से, लॉजिक से, ट्रिक से, कंसेप्ट से, हर तरह से कर पाए। जैसे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है जो जेई में आया है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी एक्स की उन सभी रियल वैल्यू का सम बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब वैल्यू ऑफ एक्स पूछी होती तो आप फट से ऑप्शन से कर देते, पर वैल्यू ऑफ एक्स नहीं पूछी है, जितनी भी एक्स की वैल्यू निकलेंगी उन सब का सम पूछा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जेई के स्मार्ट एग्जाम्स के लिए एक स्मार्ट स्किल होना बहुत जरूरी है, और नॉट ओनली जेई, आप कोई भी एग्जाम दें, किसी भी तरह की प्रिपरेशन करें, चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीए की कर रहे हो, आईआईटी की, आप जितना इसका स्मार्ट स्किल डेवलप करेंगे उतनी मल्टी डायमेंशन में सोच पाएंगे, उतना ही ग्रो करेंगे लाइफ में। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहां पर अगर हम समझें तो ये ए पावर 0 बोल सकते हैं, 1 होगा अगर मान लो ये ए होता, और कब कब 1 हो सकता था क्योंकि रिजल्ट 1 है। 1 पावर एनीथिंग, 1 पावर एनीथिंग, कुछ भी हो 1 की पावर 1 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भी 1 मिलेगा, है ना। तो 1 का पावर, 1 का पावर ऐसा लिखना था तो भी 1 मिलेगा, और -1 का पावर इवन हो तो भी 1 मिलेगा, यानी आपको इन तीन डायरेक्शन में करना होगा और इन तीनों से अलग अलग रूट निकलेंगे। यानी इसको अगर आप 0 से इक्वेट कर दो तो बताओ क्या रूट मिलेगा, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10, एक्स माइनस 6, यस और नो। तो दो रूट्स आ गए, 10 और माइनस 10 और 6, यानी x की एक वैल्यू माइनस 10 है और एक 6 है। एक बार आप ये बोलना चाहते हैं कि ये पूरा रिजल्ट 1 हो तो भी हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अब ये बात क्लिक कर गई तो विद इन अ सेकेंड कर लोगे, नहीं तो टाइम लगेगा। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 4, ये देखिए एक्स 1 आ गया और 4 आ गया। अगर अभी तक मैं इसको ऐड करूं तो 10 में से 10 गया तो 1 बचा, 1 नहीं है इसका मतलब पक्की बात है कि इस कंडीशन से भी कुछ निकलने वाला है, यस और नो। पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे देखिए माइनस 6, 10 प्लस 6 कितना होता है -4। मैं आपको इन सेशंस में ये भी बताऊंगा, ये बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखने वाले सेशन है, यस और नो। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको केवल इतना सा ही क्लिक करा तो -10 प्लस 6 होता है -4, और -4 आपको ऑप्शन में दिया है। अगर किसी बच्चे को ये क्लिक करने की जगह ये क्लिक कर गया दूसरी चीज कि ये 1 हो जाए तो 1 प्लस 4 होता है 5, ये भी आंसर दिया है। और खास बात यह है कि जो आंसर आपको दिए हैं ये दो हैं कि नहीं वो देखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये मान लो -1 होता तो क्या होता, तो हम इसकी पावर को इवन ले लेंगे, कोई हम इसकी पावर को इवन ले लेंगे। अब इवन कैसे लेंगे वो बताता हूं, पर अभी पहले हम ये मान लेते हैं कि अगर ये -1 हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1, या ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2 एंड 3, ये मिला, यस और नो। अब ये 2 और 3 पे इसका इवन होना जरूरी है, तो अब आप अगर मान लो एक्स की वैल्यू 2 रख देते तो 4 प्लस 4 माइनस 60, ये कितना हो गया 8, और ये हो गया कितना 8 माइनस माइनस 52, ये इवन हो गया। तो एक्स इक्वल टू 2 पर तो इवन है, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। अब बात आती है कि 3 पे क्या होगा, तो 3 रखो, 9 प्लस 12 माइनस 60, ये 21 माइनस, ये ऑड है तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब एक रूट ये भी है 2। अब देखिए कितना बढ़िया और इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन से आप कई चीजें अलग अलग डायमेंशन में भी डेवलप करते हैं, तो अब आपको इन सब का सम बताना है। तो ये भाई 10 और 10 खत्म हो गई बात, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो करेक्ट आंसर हुआ इसका 3। तो यानी जो आपको मिस्टेक हो सकती थी वो भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन भी है जिससे मिस्टेक ना हो, तो अब आपको यहां पर केयरफुल होना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इन सेशंस में आपको हेल्प करेंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।